अरवान अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो अल्लाह के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफियाज़ के ख़िलाफ़ अपलोड की जाए मेरे बहन भाइयों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ख़ास वीडियो, अहम वीडियो है, जिसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है सर, वीडियो को तवज्जो के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ देखिएगा ताकि हर नुक्ता हर चीज़ आपको समझ लग सके और आपके माइंड में भी बैठ सके, एक एक नुक्ता एक एक चीज़। दोस्तों तकरीबन 2 से 3 दिन से काफ़ी ये हलचल मची हुई है, काफ़ी दोस्तों से ये मैं अब चीज़ें सुन रहा हूँ, मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया कि मंजर भी ये चीज़ क्लियर कर दें कि लोन एप्लीकेशंस ने एक न्यू ट्रेंड मुतारफ़ करवाया है जिसमें लोगों को हरास किया जा रहा है, इन्हीं के लोग लॉबिंग कर रहे हैं, लॉबिंग करके लोगों को डरा धमका रहे हैं कि अगर आप लोग इनका लोन माफिया का, सूद माफिया का, एप्लीकेशंस का लोन वापस नहीं करते तो आप लोगों के जो भी असासे हैं, आई मीन के आपका घर है, जायदाद है, ज़रई ज़मीन है, कोई भी चीज़ है, तो जब इनका हाईली इंटरेस्ट हो जाएगा उसके बाद ये लोग आपके असासा जात को मंजमद कर देंगे, ये कब्ज़ा कर लेंगे और ये उनको सेल करके या उनकी बोली लगा के उनको बेच के ये अपनी रिकवरी करेंगे। तो ये काफ़ी दिनों से चैमगोइयाँ भी चल रही थी इस चीज़ के हक में, इन एप्लीकेशंस के हक में। काफ़ी यूट्यूबर भी मेरी नज़र में आए हैं जिन्होंने इस किस्म की वीडियोस बनाई हैं कि वो यार इन्होंने पैसे वापस कर दो, इन्होंने लोन वापस कर दो, जेड़ा देना जानते हैं लेना भी जानते हैं, एन जे तो ओन जे बड़िया गल्लां बातें सुनी होनी तुसी। तो अज मैं इंशाल्लाह ताला उन्होंने सारिया गल्लां की वजाहत भी तुहानू दांगा और मैं हर नुकता इंशाल्लाह ताला क्लियर कर दूंगा आपके माइंड से। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जनाब शुरू करने से पहले इसको शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो पहुंच सके, हर उस शख्स तक वीडियो पहुंच सके जो इनके साथ लेन देन कर रहा है, जिसको इनकी स्कीमिंग का पता नहीं है, इनके तरीका वारदात का पता नहीं है, स्टिल अभी तक जो इनके जाल में फंसे हुए हैं, इनके साथ लेन देन कर रहे हैं इनके डर की वजह से, इन्हीं परेशानियों की वजूहत पे जो इनके साथ लेन देन कर रहे हैं, ताकि उनको भी हम अपने साथ में ला सकें, उनसे भी इन लोगों की रिकवरी को स्टॉप करवा सकें। तो दोस्तों मैं आपको चंद वजाहतें देना चाहूँगा जो कि आपके समझने के लिए और आपके माइंड में चीज़ें बैठने के लिए काफ़ी बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन इस चीज़ का अख्तियार नहीं रखती कि वो आपके किसी भी असासे को, किसी भी चीज़ को वो कब्ज़ा कर सके, आपके घर आ सके या आपके मुतलका थाने में आके आपके ऊपर FIR करवा सके। अभी आ जाते हैं जी इस नुक्ते पे, क्यों ऐसा क्यों नहीं ये कर सकते, पैसे तो ये लोग आम दे रहे हैं तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। तो जनाब उसका जवाब ये है कि ये जितना भी फ्रॉड का कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता किसी के भी पर्सनल मोबाइल डाटे को हैक किया जाए या किसी के पर्सनल प्राइवेसी में इंटरफेस किया जाए या किसी की भी फैमिली को कॉल करके उनको थ्रेट दिया जाए, हरास किया जाए पैसों की बिना पे, पैसों की वजूहत पे। तो दोस्तों जिस तरह से ये एप्लीकेशंस काम कर रही हैं, सबसे पहले इन्होंने चाइना के अंदर जूतियाँ खाईं, चाइना के अंदर तकरीबन 2000 से अबव कैजुअलिटीज़ हुई, अमवात हुई, खुदकुशियाँ की लोगों ने, वहाँ से इन एप्लीकेशंस ने जूतियाँ खाईं, वहाँ से निकल के ये इंडिया के अंदर गई, इंडिया से फिर इंडिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए इन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट। उन लोगों ने चंद दिनों के अंदर चाइनीज़ भी पकड़ लिए, जो उनकी कंट्रीज़ के ऑपरेटर थे वो भी पकड़े गए, एजेंट भी पकड़े गए, आई मीन के सभी को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहाँ से मुकम्मल तौर पर साफ़ सफाया कर दिया, सूदी निज़ाम ख़त्म हो गया। एक गैर इस्लामी कंट्रीज़ की मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा मुल्क इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मुल्क कलमा तैयबा के बुनियाद पे बना है। प्यारे पाकिस्तानियों मेरी बातों को गौर से समझिएगा, सुनिएगा, आपके लिए ये इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें काफ़ी होंगी आपको समझाने के लिए। दोस्तों जब तक आप लोग किसी के साथ साइन अंगूठा नहीं कर लेते, आप किसी से भी कोई 2 लाख 4 लाख की गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं या देते हैं, आप एक स्टाम्प होता है,
स्टाम्प पेपर के ऊपर लेने वाले के भी साइन होते हैं, देने वाले के भी साइन अंगूठे होते हैं। अगर कोई भी बंदा लेने वाला या देने वाला दोनों में से कोई भी पार्टी अपनी जुबान से फिरती है या आगे पीछे होती है तो उस स्टाम्प पेपर के ऊपर कार्रवाई करने की अदालत मजाज रखती है, पुलिस मजाज रखती है कि उस स्टाम्प पेपर के ऊपर जो भी खिलाफ वर्जी उसकी कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जबकि ये माफिया जितना भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, कभी आपने किसी लीगल बैंक से लोन लिया इस तरह से जिस तरह से ये लोग लोन दे रहे हैं? दोस्तों सबसे पहले देखें, 100 में से 10 बंदे होते हैं ऐसे जो इन माफिया के चुंगल में से निकल जाते हैं अपनी समझदारी की बना पे, अपने दिमाग को चला के 90% लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। अगर 10 बंदे इन लोगों को रिकवरी वापस नहीं करते, इनको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इनको तब पड़ेगा जब एक वक्त में जितनी भी इनकी रिकवरी है सारी स्टॉप हो जाएगी, इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी, एक एक शख्स को पाकिस्तानी को नज़र आएगा कि इस माफिया का इन बगैरत गलीज लोगों की रिकवरी रुक चुकी है। हर पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को भी पता चल जाएगा जब इनकी चीखें आसमान पर जाएंगी। दोस्तों ना हमारा किसी के साथ कोई साइन है, ना हमारा कोई अंगूठा है। पूरे पाकिस्तान में आप चेक कर लें, दुनिया में आप चेक कर लें, कोई भी ऐसा कानून नहीं आज तक बना कि डिजिटल लैंडिंग का काम किया जाए या ऑनलाइन कर्ज दे के लोगों के डेटे को हैक किया जाए, लोगों की प्राइवेसी को हैक किया जाए। कोई भी कानून इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आप इन चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इन चीज़ों को आप माइंड से बिल्कुल निकाल दें सर, कि आपका कोई असासा ना कब्जा कर ले, आपकी बाइक ना छिन जाए, आपका घर बार ना छिन जाए। सूद हाई से हाई हो रहा है, इंटरेस्ट लग लग के अमाउंट बड़ी बनती जा रही है। सर जिस दिन भी ये लोग अदालत में आएंगे ना, मेरी बात को आप मद्देनज़र रखिएगा, ज़ेहन नशीन रखिएगा, जिस दिन भी ये लोग अदालत में आ गए, इन लोगों के ऐसे ऐसे पोल खुलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हुकूमत वक्त के सामने आएंगी कि शायद ना हुकूमत मुंह दिखाने के लायक रहेगी दुनिया को, और ना ये लोग तो वैसे ही किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। क्योंकि ये जितने भी सूदखोर हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान की माओ बेटियों को इस कदर हरास किया, इस कदर इन लोगों ने मौत के घाट उतारा लोगों को, कि शायद जिस दिन ये लोग अदालत में आ गए, दुनिया इस तरह से अदालतों में निकलेगी, बाहर निकलेगी, कि इन लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इनकी जो साख्त है ख़तरे में चली जाए या इन लोगों को भागने का मौका नहीं मिले। ऐसा ये हरगिज़ कभी भी काम नहीं करेंगे। अगर ये किसी के ऊपर भी इस किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, लोग इनको जान से मार देंगे। क्योंकि जिनके इन लोगों ने डेटों को हैक करके जिनसे करोड़ों अरबों रुपये आज तक एक एक बंदे से, एक गरीब बंदे से करोड़ों रुपये इन लोगों ने छीने हैं फ्रॉड करके, डेटे की हरासमेंट पे, कि जनाब अगर आप लोग हमें पैसे नहीं दोगे आपकी फैमिली में हम लोग कॉल करेंगे, पोर्न पिक्चर्स बना के आपकी फैमिली में सेंड करेंगे, जो इन लोगों ने इस किस्म की हरासमेंट करके लोगों से अरबों रुपये आज तक लिए हैं, उनका हिसाब किसने देना जनाब? अगर 10 बंदे इनको नहीं दे रहे तो ये लोग उनके घर चले जाएंगे, उन पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, या कि उनकी घर पे कब्ज़ा कर लेंगे, या कोई भी उनके असासा जात पे कब्ज़ा करने की अगर कोशिश करेंगे। तो जनाब जिन लोगों को आज तक इन लोगों ने लूट के खाया है, अरबों रुपये के जिन्होंने अपने मकान जायदादें बेच के इन माफियाज़ को दिए हैं, वो उनका हिसाब किसने देना है? ठीक है जी, वो पैसे किसे, उनकी रिकवरी किसने करवानी है? तो आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल बरी उल्ज़िम है सर, आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 करोड़ बंदे ने आज तक लोन ले लिया पाकिस्तान के अंदर, कौन कौन से बंदे को ये लोग अदालत के कटघरे में लेके आएंगे? बल्कि ये लोग कभी भी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इन लोगों की कानूनी 1% भी हैसियत नहीं है। हमारे पाकिस्तानी कानून के अंदर, आइन के अंदर अगर 1% भी इन लोगों की इजाज़त हो ना इन लोगों को काम करने की, मैं लचक लूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि सर ये आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ना ही हमारे आइन के अंदर लिखा है, ना ही हमारे कानून के अंदर कहीं पे भी इन लोगों का जिक्र है। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये माफिया ना आज कुछ कर सकता है, ना आने वाली ज़िंदगी में आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। आप इन चीज़ों की टेंशन नहीं लिया करें कि अभी भी ये लोग ना आपके असासा जात के ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं, ना ही आपके घर आ सकते हैं। इन चीज़ों को आप हमेशा माइंड में रखिएगा। ऑन द रिकॉर्ड ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं ढकी छुपी बातें नहीं कर रहा या मैं लका के गल्ला नहीं करता पाया। जिन्या गल्ला भी होती पियाँ ने सारिया ओदियाँ रिकॉर्ड पियाँ ने, हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, हमेशा के लिए पड़ी है।
मैं कोई छुप छुपा आगे बातें नहीं कर रहा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, डरने की इन माफिया से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डट जाएं, बिल्कुल इन लोगों के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। इनको बोलें बगैरत के बच्चों, जो कर सकते हो ना कर लो, रिकवरी नहीं देनी, एक टका भी नहीं देना। मेन मसला ये है कि अगर हम लोग इनको जो इनकी प्रिंसिपल अमाउंट आई हुई है, अगर इनको वो भी वापस कर देते हैं, उसके बाद ये सूद इतना बढ़ा देंगे कि ये सूद की बना पे आप लोगों को थ्रेड करेंगे, सूद की बना पे आप लोगों को ये जलील करेंगे, परेशान करेंगे। उससे बेहतर है अपना घर बचा लें, इनकी मुकम्मल रिकवरी को स्टॉप कर दें, इनके ऊपर सिंपल काम करें। सिर्फ और सिर्फ एक तहरीरी एप्लीकेशन लिखें, तहरीरी एप्लीकेशन लिख के अपने करीबी पुलिस स्टेशन में सबमिट करवा दें, कर दें। उसके बाद ऑनलाइन SCCP में इन लोगों की कंप्लेन करें, FIA में इन लोगों की कंप्लेन करें और 31 मई तक का वेट करें। 31 मई तक का FIA ने, SCCP ने वादा किया हुआ हमारे साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, कि हम 75 एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से 31 मई तक हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक तो आप सभी ने 31 मई तक वेट करना है, इंतज़ार करना है कौन कौन सी एप्लीकेशन रिमूव होती है। जो रह जाएंगी इंशाल्लाह ताला फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, इंशाल्लाह ताला इनके जो रह जाएंगी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करके उनके ऊपर हम लोग केस भी फाइल करेंगे, केस भी दायर करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है सर, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई हमा वक्त हमेशा आप सभी के साथ है। किसी भी चीज़ से, किसी भी मामलात से, किसी भी नुक्ते से डरना नहीं। इन माफिया से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने। अल्लाह का नाम लेके बिल्कुल बेफिक्र होके इन लोगों की रिकवरी को स्टॉप कर दें। कि वीडियो बना के आप सभी को बताने का, गाइड करने का मेन मेरा मकसद ये था कि जो मेरे दोस्त अखबाब इस वजूहत की बना पर इन लोगों को रिकवरी दे रहे हैं कि यार ये घर ना आ जाएं, यार ये हमारा कोई असासा ना कब्जा कर लें, अपना घर बार बेच के भी इन लोगों को सूद दे रहे हैं, हाई इंटरेस्ट दे रहे हैं, 50% ये लोग सूद लेंदे पे ने, साडे कोलों गरीब आवाम नूं लुटदे पे ने। बिल्कुल बेफिक्र होकर इन्हां दी रिकवरी नूं रोको यार, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने। कभी भी ये लोग ऐसी हमाकत, ऐसी जुर्म नहीं करेंगे जिससे इनकी साथ को नुकसान पहुंचे। मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत गलीज़ बगैरत इंसान है। इन लोगों की सोच बहुत आगे की सोच है। ये लोग पाकिस्तान में अपने बहुत बड़ा शिकंजा अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ा शिकंजा टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला इन माफियाज़ को हमने कभी भी कामयाब नहीं होने देना। इनको नेस्तो नबूद करना है तो इन लोगों की रिकवरी को हमें रोकना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी और हिम्मत के साथ इनको हमें फेस करना पड़ेगा। किसी भी तरह की कोई भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना, बिल्कुल भी इन बगैरत इंसानों की वजह से, इन लोन माफियाज़ की वजह से आपने अपनी फैमिली से दूर नहीं होना, आपने अपने कारोबार से दूर नहीं होना, आपने अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर नहीं होना। बिल्कुल अपने कारोबार में गमजन रहें, अपने अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो रहें, परवरदिगार की तरफ मतवज्जो रहें और इन माफिया से बिल्कुल भी दूरी इख्तियार कर लें। इनके नज़दीक जाने की, इन लोगों से बातचीत करने की या इनके साथ डीलिंग करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। इनके टोटल नंबर को ब्लैक लिस्ट करें और अपने अपने कामों में मगर रहें, अपने अपने कामों को सारा अंजाम दें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का कंटेंट, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मंजर शेख को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने